प्रोडक्शन कंपनी के थ्रू, ठीक है, हमारा एस ए मिस्टर एंड मिसेस इंडिया 2021 ये शो हो रहा है, ब्यूटी पेजेंट है। आज तक इंडिया के अंदर ब्यूटी पेजेंट बहुत सारे हुए हैं, बट हमारा ये ब्यूटी पेजेंट बिल्कुल डिफरेंट है औरों की तरह। हम फर्स्ट टाइम ऐसा इंडिया की हिस्ट्री में होगा कि कोई शो को हम जंगल के अंदर करें, जो कि हमारा जंगल कैंप है, और जंगल कैंप के अंदर भी करें शिवपुरी उत्तराखंड के अंदर। इसमें हमारे तमाम तरह के टास्क होंगे, खाली इसमें हमारे यहाँ रैम शो नहीं होगा, इसमें हमारा टास्क एडवेंचर सब कुछ होगा इस शो के अंदर। इस शो के अंदर हमारे काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं जो कि बॉलीवुड से हैं, और हमारे साथ में जूरी मेंबर भी काफ़ी सारे इसके अंदर हैं। और इस शो को हम लोग मतलब अप्रैल में 9th से लेकर 11th अप्रैल तक इसको हम कर रहे हैं। अभी हमारे साथ में जैसे कि आप देख सकते हैं, मिस यूनाइटेड नेशन शाइना संस्था जी हैं, मिस उत्तर प्रदेश एरा 2021 रुचिता मिश्रा जी हैं, इस तरह से। और उसके साथ में हमारे जूरी मेंबर के अंदर आपके सागर आनंद MTV लव स्कूल के मिस्टर सिद्धांत शुक्ला जी, जो बिग बॉस सेटिंग के विनर हैं, वो भी आ रहे हैं। कैट शर्मा हैं, और भी जुबिन शाह, समीर मार्क, ऑलमोस्ट करके हमारे 10 से ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं। सदानंद जी भी हमारे आ रहे हैं, जो कि भाभी जी घर के अंदर के मिस्टर सक्सेना जी के रूप में रहते हैं उस तरह के। और इसके अंदर हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के सांसद हैं, उनके प्रतिनिधि माननीय संजीव कुमार सिंह जी हैं, और वो भी आ रहे हैं। और हमारे मोहम्मद इमरान खान हैं, जो कि जिला अध्यक्ष हैं गोंडा के। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, और इसमें हम अपने पूरे ऑल ओवर इंडिया से हम बच्चों को ले रहे हैं, क्योंकि हर एक तरह हर एक सिटी से, छोटे हो या बड़े हो, हर जगह के बच्चों को निकाल रहे हैं, उनके टैलेंट को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। आज तक ब्यूटी पेजेंट में तो बहुत सारी जगह होता है, सिर्फ एक रैम शो होता है, रैम शो होने के बाद में वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन हम इसको रैम शो ना करके हम इसको पूरा रियलिटी सीरीज़ में कन्वर्ट करें। इसके अंदर हम तमाम तरह के एडवेंचर्स कराएंगे, जैसे कि रिवर राफ्टिंग है, पैराग्लाइडिंग है, जंपिंग है, वहाँ पर हमारे नाइट के, इन सारी चीज़ों का हम एक 10 सीरीज़ का एपिसोड बना रहे हैं, जो कि हमारा एक रियलिटी सीरीज़ बनेगा, एक OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर वो जाएगा। देखिए, इसके हम ऑल ओवर इंडिया ऑडिशंस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हिसाब से कर रहे हैं। हमारी वेबसाइट के थ्रू हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी ले रहे हैं, और उसके बाद में उसमें से सेलेक्ट करेंगे कौन इस तरह कैटेगरी में आ सकता है या कौन नहीं आ सकता है। उसके बाद में हम, जैसे कुछ मेजर सिटीज़ होती हैं, हर जगह तो पॉसिबल नहीं ना जाके ऑडिशंस लेना, इसलिए हम कुछ मेजर सिटीज़ में जाके हम ऑडिशंस भी इसके कराएंगे, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चंडीगढ़, पंजाब के, बैंगलोर में, गोवा के अंदर इसके ऑडिशंस ऑफलाइन भी होंगे और ऑनलाइन भी, ऑल ओवर इंडिया के इसके अंदर से हमारे बच्चे के लिए वेब सीरीज़ बना रहे हैं ऑडिशंस के। आप दोनों से जानना चाहूँगा, सबसे पहले नाम के साथ इंट्रोड्यूस कीजिए, और आप लोग कितने एक्साइटेड हैं, और आपकी तरफ से क्या प्रिपरेशन होने वाली है फॉर द शो, खिलाड़ी एंड ऑल्सो लाइक बिग बॉस समटाइम लाइक दैट ओनली बट नॉट दैट बिकॉज वी कॉन्ट कम्पीट देम दैट्स टू but we are giving different things in different world for the like first time in India where we can see the different people doing different pageant. It's a beauty pageant. Beauty we always we have seen beauty in pageant only, ramp walk, that's it, but no, this is different, and I'm really glad to be part of this. I'm so glad. I am Ruchita Awasthi, aur maine bahut sare pageant kiye hain already, aur sabka same pattern hota hai hamesha, वही रैम्प वॉक और दिस एंड दैट, बट आलम बहुत अच्छे फ्रेंड है, एंड जब इन्होंने बताया कि ये करने जा रहे हैं, तो इट्स अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट, और इट्स गोइंग टू बी अ रॉकिंग शो, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। या आप लोगों के लिए कितना चैलेंजिंग होने वाला है टू चूज द परफेक्ट कैंडिडेट फॉर दिस पेजेंट, बिकॉज जैसे सर ने कहा कि बहुत सारे कॉन्टेस्ट भी होंगे, वहाँ पर टास्क भी किए जाएंगे, हाँ जी, और रैम्प वॉक के ऊपर जज नहीं कर रहा है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जज। एक्चुअली चैलेंज तो बहुत सारा रहेगा, क्योंकि अगर हम खाली ब्यूटी नहीं देखते हैं, तो हमें उनके अंदर देखना होगा कितनी स्मार्टनेस है, कितनी डेयरिंग कैपेसिटी है, कितना फियर फैक्टर है, कितना फियर फैक्टर को देख सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कॉन्फिडेंट, एलिगेंट, ब्यूटी, ब्रेन, एवरीथिंग इज देयर, बट उसके साथ साथ आपके अंदर फियर फैक्टर क्या है, क्योंकि मैंने देखा है ब्यूटी पैजेंट जीत तो जाते हैं, बट दे डोंट डेयर टू डू सर्टेन थिंग्स जो वो कर नहीं पाते हैं, तो इसके अंदर वो सारी चीज़ें भी इंक्लूड होंगी, मतलब ओवरऑल पर्सनालिटी जो आपके सामने आएगी, ब्यूटी विद ब्रेन विद फियर फैक्टर, यू कैन बेयर फियर फैक्टर एंड अदर थिंग्स, दैट्स द डिफरेंट, रियली इट्स गोना ऑसम। एंड साहेब आलम इज द बेस्ट पर्सन, लाइक ही इज द पर्सन हु थिंक अबाउट इट, फर्स्ट टाइम जिन्होंने सोचा है कि ऐसा कुछ करना चाहिए,
जब इन्होंने इसके बारे में बताया था तो ऐसा लग रहा था कि ऐसा क्या पॉसिबल है, ऐसा कुछ हो जाए और इंडिया में ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या, बट सीरियसली इस या डेफिनेटली वी कैन या एक्चुअली वी आर टॉकिंग ऑल्सो विद बालाजी एल्ट बालाजी एंड एम एक्स प्लेयर बट थिंग इज दैट विच इज कन्फर्म आई विल लेट यू नो आफ्टर सम टाइम ओके चैलेंजेस होंगे पर ठीक है अब कुछ नया करना है तो चैलेंजेस एक्सेप्टेड एक्चुअली होता क्या है कि बहुत सारे पेजेंट्स जैसे होते हैं तो उसमें क्या होता है रैम शो करा के उनकी वॉक देख के उनको विनर डिसाइड कर दिया जाता है बट हमने यहाँ पर कमिटमेंट करे कि जो हमारे विनर्स होंगे वो सारे विनर्स हमारे इनको हम ऑलरेडी वर्क बॉलीवुड में देंगे सीरीज में देंगे और भी सारे कई सारे सीरियल्स आ रहे हैं हम लोग के उसके अंदर हमें वर्क देना है तो उसके अकॉर्डिंग हम सिर्फ उनको इनके वॉक के और उनके मॉडलिंग करियर के ऊपर उनको फोकस करके हम वर्क नहीं दे सकते इसलिए हम इसमें एडवेंचर्स कर रहे हैं क्योंकि वो कैमरा फेस कैसे कर रहे हैं वो आगे और किसी चीज़ों का अगर कहीं पास मालिक किसी रियलिटी शो में और भी जाते हैं तो उन चीज़ों को टास्क करने के लिए लायबल हैं या नहीं है इन सब चीज़ों को देखते हमने एक सारी चीज़ों का मिक्सअप बना के हमने कहा कि पहले हम अपने यहाँ ही उन बच्चों का पूरा टेस्ट करेंगे उसके बाद उनको आगे हम प्लेसमेंट देंगे यस ये जैसे भी हमारा 100% श्योर तो हमारा यूट्यूब के ऊपर है बट वी आर टोटली अप्रोच कि हमारा ये एमएक्स प्लेयर पे हो या एल्ट बालाजी पे हो बट ये हम अभी कंफर्मेशन आने के बाद भी हम दे सकते हैं बट हमारा यूट्यूब तो कंफर्म है थोड़ा सा आप बताइए आपका किस तरह का एसोसिएशन है सर के साथ और देखिए साहिब आलम जो हैं हमारे बहुत बचपन के दोस्त हैं हम दोनों भाई हैं और एनिग्मा इवेंट मैनेजमेंट मेरी कंपनी है जो हम लोग शो करने जा रहे हैं बहुत ही एंटिक तरीके का शो है जो अलग तरीके का शो हम लोग करने जा रहे हैं एडवेंचरस शो है पूरा जिसमें थोड़ा टास्क भी देंगे हम लोग थोड़ा माउंट क्लाइंबिंग होगा रिवर राफ्टिंग होगा उसमें कंटेस्टेंट्स के लिए इस तरीके का हमने शो प्लान किया हुआ है कि मतलब कंटेस्टेंट को भी मज़ा आएगा कि वहाँ पर आए हैं तो कुछ ना कुछ उनको टास्क भी मिल रहा है और कुछ ना कुछ अलग तरीके का एक कॉम्पिटिशन भी उनके साथ में हो रहा है और जैसे सर ने कहा कि बहुत सारी जगह ऑडिशन नहीं कर रहे सिर्फ कुछ सिटीज़ में ऑडिशन होंगे तो आपका किस तरह का कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा देखो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन इनके साथ में हमेशा हर जगह पे रहेगा लेकिन हम लोग टैलेंट कहाँ से निकालेंगे हम छोटे छोटे शहरों से निकालेंगे क्योंकि जितने भी बड़े बड़े शहरों में आप देखते होंगे हर जगह शहरों में कुछ ना कुछ चलता रहता है लेकिन गाँव में छोटे छोटे कस्बे में टैलेंटेड लोग बसे हुए हैं जिसको हम निकालना चाहते हैं और वहाँ से हम लोग निकाल के लेकर आएंगे और इस जगह पे मुकाम पे पहुँचाएंगे और कुछ कहना चाहेंगे जो ऑडियंस आपको देख रही है ऑडियंस से हम यही कहना चाहेंगे जितने ज़्यादा जन हमारे साथ में जुड़ सकते हैं आप हमारे साथ में जुड़िए हमारा इंडिया से लेके इंटरनेशनल लेवल पे हमारे शोज़ होते हैं और हम करते रहेंगे और अपने अच्छे टैलेंटेड जैसे हमारे साथ में जुड़ेंगे ट्रांसजेंडर भी लोगों को हम लेंगे प्लस जो ओवरवेट वुमेन होती हैं उनको भी हम लोग पार्टिसिपेट कराएंगे और जो हाउसवाइफ होती हैं उनको भी हम लोग लेंगे क्यों क्योंकि आज घर में बैठे बैठे माहौल आपने भी देखा होगा कोविड-19 के बाद में कुछ भी चीज़ें नहीं हुई है लेकिन हम कोई नई चीज़ें लेके आना चाहते हैं और लोगों को नए प्रकार से चीज़ें देना चाहते हैं थैंक यू और प्रेस मीडिया आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग आए आपने हमारा इतना सपोर्ट किया हम चाहते हैं आप भी हमारे हर जगह साथ में रहें थैंक यू यहाँ आने की वजह ये है कि शादमान मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और उसने मुझे बोला कि एक बहुत ही ख़ास किस्म का ब्यूटी पेजेंट ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है साहेब आलम साहब ने किया है तो मैंने कहा कि ज़रूर आना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि कोई ख़ास चीज़ होती है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए और मैं आप लोगों को पता ही है कि एडवेंचर लविंग पर्सन हूँ मुझे एडवेंचर से बहुत प्यार है तो ये पहली बार ऐसा ब्यूटी पेजेंट ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है जो कि जंगल में होने वाला है और जंगलों के कैंप में होगा जंगल औरा कैंप में इसका फिनाले होगा 11 अप्रैल को तो ये अपने आप में एक बहुत ही ख़ास चीज़ है एडवेंचरस टास्क दिए जाएंगे जो कॉन्टेस्टेंट्स होंगे उनको तो बहुत ही ख़ास किस्म का ब्यूटी पेजेंट है अपनी बार अपनी तरह का पहला है आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं दैट्स वाई आई एम हियर टू सपोर्ट दिस नाइस ब्यूटी पेजेंट ऑर्गेनाइज बाई मिस्टर साहेब आलम एंड निहारिका इवेंट्स एंड माई फ्रेंड शादमान Enigma events, of course. सर आपके अंदाज में कुछ विश करना चाहेंगे साहब? मैं साहेब आलम जी को सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जंगल में
ये जो मंगल करने वाले हैं उसके लिए आई लाइक इट। नई भाभी जी के साथ बहुत एक्साइटेड हूँ मैं उनके साथ कुछ शूटिंग कर भी चुका हूँ। शी इज़ अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस, बहुत ही अच्छी हैं वो, बहुत अच्छी इंसान भी हैं, बहुत टैलेंटेड हैं और अपना एक फ्लेवर वो लेकर आई हैं अनीता भाभी के कैरेक्टर में। ऐसा नहीं है कि वो जो हमारी पिछली भाभी थी उनकी नकल कर रही हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है। उनका अपना स्टाइल है, अपना अंदाज है, हैं, और वो बहुत ज़्यादा मुझे मज़ेदार लग रहा है। तो आई एम थरली इन्जॉइंग द कंपनी ऑफ न्यू भाभी विच इज़ नेहा पेंडसे। और मैं चाहूँगा आप सबसे ये कहना कि ये जो साहेब आलम ने और ये जो एनिग्मा इवेंट्स ने, शादमान कास्टिंग एजेंसी ने ये जो शुरू किया है ब्यूटी पेजेंट, इसको बहुत आप लोग सपोर्ट करें, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ है। जो नए टैलेंट हैं, जो नए लोग हैं इसमें, मुझे लग रहा है कि इसको इस ढंग से ये लोग प्रेजेंट कर रहे हैं कि बहुत सारे नए लोगों को मौका मिलेगा आगे बढ़ने का। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है ना, और उनको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं ये लोग, है ना। और इस ढंग का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं कि एक अलग पहचान बनेगी बहुत सारे लोगों की, क्योंकि 10 एपिसोड मामूली बात नहीं है, 10 एपिसोड होने वाले हैं इसमें। कितने सारे एडवेंचरस टास्क होंगे, कितने सारे इसमें अप्स एंड डाउन्स होंगे, कितने सारे नए नए टैलेंट, नई नई चीज़ें, नए नए इंसिडेंट्स होंगे, कितना लर्निंग एक्सपीरियंस होगा लोगों के लिए, है ना। सो दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी यूनिक, वेरी अनयूजुअल, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ ब्यूटी कॉन्टेस्ट इन इंडिया दिस थिंग इज़ हैपनिंग। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट साहेब आलम। थैंक यू सो मच। आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू बी हियर एंड ऑल द वेरी बेस्ट माई फ्रेंड। थैंक यू, थैंक यू। यू रॉक। Definitely, I would love to see this content on some much bigger channel actually, you know, because the bigger platform, the better opportunity to shine. You know, it is as simple as that. So definitely, I would definitely support to this entire venture to go on a much, 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 much bigger platform and get success. Enigma Event Management. Okay, so मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा Enigma Event Management का और साहेब आलम जी का कि इन्होंने ये मिस्टर मिस एंड ऐसे मिस्टर मिस एंड मिसेज इंडिया 2021 ऑर्गेनाइज़ किया। ये बहुत ही शानदार कॉज है और मेरा पूरा सपोर्ट है Enigma इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को और साहेब आलम को। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरी तरफ से तो फिलहाल कोई तैयारी नहीं है, मैं बस इनवाइटेड हूँ यहाँ पे लॉन्च पार्टी में और मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा इनका कॉन्सेप्ट विच इज़ गोना बी फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री जो कि जंगल में होने वाला है, जो सुन के ही मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट आ रही है। एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को भी कनेक्टेड रहना चाहिए जानने के लिए आगे कि क्या होने वाला है यहाँ पे, और बहुत सारे एडवेंचरियल टास्क होंगे आई एम श्योर, तो मैं भी ज़रूर विजिट करना चाहूँगा एक बार तो इनके इवेंट पर। वो तो आप थोड़े वक्त बाद अपने आप समझ जाओगे, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। देखिए मेरे तो बहुत सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स अभी आने वाले हैं जो कि लिंकअप है, लाइंड अप है, एक से एक के बाद एक के बाद एक आ रहे हैं, जैसे कि एल्बम सॉन्ग्स एंड देन वेब सीरीज़,
और मूवी के लिए भी अभी काम चालू है, तो देखेंगे इंशाल्लाह। इवेंट के तो बाकी इवेंट के बारे में ये बताएंगे सर। ठीक है, हमारे जैसे एस थ्री इवेंट प्रोडक्शन कंपनी के थ्रू जो शो हो रहा है, ठीक है, उसमें भाई लोग भी हमारे सारे लोग सब सेलिब्रिटीज़ के एज अ सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं। उसमें हम लोग बहुत सारे एडवेंचर्स टास्क वगैरह कर रहे हैं जो मैंने आपको पहले भी बताया था। और बाकी आज ये लोग सब आए हैं उनके लिए मैं बहुत बहुत थैंक्स बोलता हूँ कि सब लोग ने अपना टाइम दिया। सो दिस इज एसए साहिब आलम प्रेजेंट्स मिस्टर एंड मिस इंडिया 2021 व्हिच इज़ गोइंग टू टेक प्लेस इन ऋषिकेश ऑन द 11th ऑफ अप्रैल 2021। सो प्लीज़ गिव योर सपोर्ट एंड योर लव एंड वी आर ओपन टू हैव एंट्रीज इन द शो एंड मे द बेस्ट मैन एंड द वुमन विन। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।